नमस्कार। अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में फिर इस्तीफों की झड़ी और एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटे ने भी पार्टी छोड़ दी है, भाजपा में शामिल हुए हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के सिलसिले के बीच उत्तराखंड कांग्रेस को तगड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी में जाने की संभावना भी जताई है। वहीं मनीष खंडूरी 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। आपको बता रहे हैं, पार्टी ने उन्हें 2019 के आम चुनाव में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। उन्हें भाजपा के तीरथ सिंह रावत से 3 लाख से अधिक वोटों के साथ हारना भी पड़ा था। फिलहाल चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उनके इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है और उन्होंने अपना इस्तीफा देकर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बड़ी खबर। उत्तराखंड कांग्रेस को राजनीतिक झटका। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में वो शामिल हुए हैं।